मेरे देश का नौजवान मेरे हिंदुस्तान का भाग्य बदल सकता है। देश की सरकार को नौजवान में भरोसा चाहिए और उस भरोसे को लेकर के हम आए हैं। मैं मेरे देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, आज भी देश में अवसरों की कमी नहीं है, आज भी देश में मैन पावर की आवश्यकता है। देश कृषि का क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, देश के नौजवानों की ताकत से हिंदुस्तान को आर्थिक महासत्ता बनाने का सामर्थ्य यह देश रखता है। और इसलिए मैं नौजवानों, मैं आपके भविष्य की गारंटी लेकर के आया हूं। और अगर हिंदुस्तान के नौजवान का भविष्य की कोई गारंटी नहीं, तो हिंदुस्तान के भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। भारत का भाग्य भारत के नौजवान के हाथ में है। उन नौजवान को अवसर चाहिए और भारतीय जनता पार्टी नौजवान को अवसर देने का संकल्प लेकर के आई। बेरोजगारी से ही कहना होगा कि अगर वो कहीं है तो प्लीज सरकार को दिख जाए, क्योंकि सरकार के पास नौकरियों के जो आंकड़े हैं उससे लगता है कि बेरोजगार नौकरी लेकर मुझे व्हाट्सएप मैसेज से मजाक करते रहते हैं कि हमारी खबर दिखा दीजिए, हम बस नौकरी लेकर टीवी पर बेरोजगार दिखना चाहते हैं। सरकार कभी नहीं बताएगी कि कितने लोग तालाबंदी के दौरान बेरोजगार हुए हैं, उनकी सैलरी बंद हुई है। लघु एवं मध्यम उद्योगों के संगठन ने अप्रैल से जून के बीच एक तीसरा सर्वे किया है, तीसरी बार। इस सर्वे का नाम है कोविड क्वार्टर। इस सेक्टर पर यह तीसरा राष्ट्रीय सर्वे है। संगठन के लोगों का कहना है कि जून में 2.5 से 3 करोड़ रोजगार चले गए, अगस्त तक 1 से 1.5 करोड़ और रोजगार जा सकते हैं। प्राइम टाइम में मंत्रोच्चारण नहीं होता कि सारी परीक्षाओं के अलग अलग नाम लिए गए। मेरी नजर में रेलवे की परीक्षा एक उदाहरण है और सभी परीक्षाओं की प्रतिनिधि समस्या। कहीं शिक्षक भर्ती को लेकर नौजवान तड़प रहा है तो कहीं पुलिस भर्ती को लेकर, कहीं यूपी में, कहीं बिहार में, कहीं सहायक भर्ती को लेकर तो कहीं कोषागार भर्ती को लेकर, बंगाल से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक नौजवान परेशान। एक ही थाली जिस जनता से सरकार बजवाती है, वही जनता सरकार को सुनाने के लिए बजाती है। सरकार के पास बोलने के कई मुंह हैं, लेकिन सुनने के लिए कोई कान नहीं। थाली बजाइए या शंख बजाते रहिए, जनता सरकार के तरीकों को अपनाकर थोड़े समय के लिए स्मार्ट तो लग सकती है, मगर लंबे समय में सरकार उससे स्मार्ट निकल जाती है। देश के नौजवान रोजगार के लिए लालायित हैं। दिल्ली की सरकार रोजगार देने में विफल गई है। उन्होंने वादा किया था, चुनाव मैनिफेस्टो निकाल दीजिए, उन्होंने कहा था कि दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। 1 करोड़ नौजवानों को। मैं हिंदुस्तान में जाकर के हर कोने में पूछता हूं, कोई नौजवान है मुझे बताएं कि दिल्ली की सरकार ने रोजगार दिया है? हिंदुस्तान में कोई नौजवान नहीं मिल रहा जो कहता हो कि दिल्ली की सरकार ने उनको रोजगार दिया है। क्या झूठे वादे करने वालों पर भरोसा कर सकते हैं? उनकी झूठी बातों पर भरोसा कर सकते हैं? भाइयों बहनों, पहले 100 दिन में काम करने के लिए जो कहे थे उन्होंने, उसमें से 80% काम उन्होंने नहीं किया। 80% ऐसे लोगों को माफ करना चाहिए, ऐसे लोगों को माफ करना चाहिए जिन्होंने वादा पूरा नहीं किया। मेरे नौजवान दोस्तों, कि वो सत्ता में आएंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे। जरा बिहार के नौजवान जोरों से बोलिए, रोजगार देने का वादा किया था, आपको रोजगार मिला, आपको नौकरी मिली? भाइयों बहनों, अगर मेरे नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या होगा? मित्रों, आज गरीबी देश की बहुत बड़ी समस्या है। महंगाई के मार के कारण गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चे रात रात रोते हैं, मां आंसू पी करके सुलाती है। भाइयों, ये पाप किसका है? क्या आप इस संकटों से ही गुजारा करना चाहते हो, अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो? लेकिन भाइयों बहनों, उनका इरादा नेक नहीं था।
और उन्होंने विश्वासघात बिहार के कोटि कोटि जनों से किया है। ये विश्वासघात आपके साथ है। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये विश्वासघात है? ये विश्वासघात है? ये विश्वासघात है? ये विश्वासघात करने वालों को सजा दोगे? ये विश्वासघात करने वालों को सजा दोगे? ये विश्वासघात वालों को उखाड़ के फेंक दोगे? चुन चुन के साफ कर दोगे? उनकी वोट मांगने की हिम्मत कैसे होती है, मुझे तो यही ताज्जुब होता है। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहां पता है? हाथ ऊपर करो, किसको पता है?